वर्ल्ड कप एशिया कप से पहले डराने लगे पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन, हारिस, नसीम, वसीम सब तहलका बचाने के लिए तैयार। आंकड़े दे रहे गवाही, खूंखार है पाकिस्तान की पेस बैटरी। अगर मैचेस वाइज देखोगे एक्सपीरियंस हमारे पास बहुत है, लेकिन अगर टैलेंट वाइज देखोगे तो ये बॉलर आने वाले के सुपरस्टार है। आने वाले 2-3 साल में नसीम और हारिस सब बहुत बड़े बॉलर बनने वाले और दुनिया की बात भी करने लग गई है। डेफिनेटली तीनों बॉलर पूरा जज्बा डालते हैं इनके, चाहे नसीम की बात करें, चाहे शाहीन की बात करें, चाहे हारिस की बात करें। और जैसे हमारे बॉलर थके हुए लगते हैं मुझे पता नहीं क्यों, टेक्निक इनकी वो मजबूत है, इनकी जज्बा इनके अंदर नजर आता है, इनके टैलेंट इनके पास कूट कूट के भरा हुआ इनकी टीम के पास, बिल्कुल टैलेंट की कोई कमी नहीं है। नसीम शाह और हारिस राफ है डेफिनेटली। और मैंने बस एक पाकिस्तान टीम को मैंने ऐसा देखा है जो फास्ट बॉलर उस तरह के प्रोड्यूस करते हैं जिनके साथ मैं केवल अगर एक्सपीरियंस एसोसिएट ना करूं कि भाई अगर नसीम ने 8 मैचेस खेले तो वो क्या करेगा। आपने टी20 वर्ल्ड कप में देखा, आपने इतिहास देखा है। सामने क्रम जैसे जैसे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच करीब आता जा रहा है वैसे वैसे हमारे पेस अटैक का खौफ भारतीय मीडिया पर बढ़ता ही जा रहा है। कभी वो क्या मंतके निकालते हैं, कभी वो अपने प्लेयर्स को डराते नजर आते हैं, कभी हमारे प्लेयर्स की तारीफ की जाती है और कभी फिर हमारे प्लेयर्स के साथ अपने प्लेयर्स का यानी अपने बॉलर्स का मवाजना किया जाता है। और आज की इस वीडियो में आपको यही सब कुछ बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तानी पेसर्स खासकर हारिस राउफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी का खौफ कितना ज्यादा हमारे ओपोनेंट यानी भारत के मीडिया पर छाया हुआ है। अगर देखा जाए तो भारतीय बॉलर्स एक्सपीरियंस के लिहाज से तो पाकिस्तानी इन यंग स्टार्स से कहीं ज्यादा आगे हैं, लेकिन अगर टैलेंट और बॉलिंग स्टैट्स को देखा जाए तो जितने भी मैचेस हमारे इन स्टार्स ने खेले हैं उनसे वो कहीं आगे नजर आते हैं। और यही वो डर और खौफ है जो इस वक्त भारतीयों को सताने लगा हुआ है, उनके साबिक प्लेयर्स हो, मौजूदा टीम मैनेजमेंट हो या फिर उनका मीडिया। इन्हीं तीन खिलाड़ियों के गिर यानी पाकिस्तानी पेस अटैक के बारे में हर रिपोर्ट में उनकी कोई ना कोई खबर होती है और वो बरमला इस बात का इजहार करते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तानी पेस अटैक हमें अब डराता दिखाई देता है। सारे मामले पर भारत का मीडिया अब कंपैरिजन करके क्या कुछ कह रहा है इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं। एक्सपीरियंस में इंडियन बॉलर्स काफी आगे बहुत आगे हाँ। लेकिन टैलेंट वाइज हम बात करें, स्किल सेट की हम बात करें तो ये पाकिस्तान के बॉलर ऐसे हैं जो अपने दिन किसी पर से कम नहीं किसी से भी कम नहीं है। हाँ, ये आईटी की हम बात करें तो ये बैटल राउंड होने यही वाला, एक्सपीरियंस वर्सेस यूथ और उसमें स्किल्स भी। क्योंकि आपने देखा ना, चाहे आप 2021 के टी20 वर्ल्ड कप की बात करो जब इंडिया को हार का सामना करना पड़ा, या 2022 का आपने एशिया कप देखा, या फिर वर्ल्ड कप में आपने देखा यही नसीम, यही हारिस, यही सदाब ने 4 में 24-25 रन दिए थे उस दिन। हाँ जी, तो ये इनकी भाई आप बोलोगे कि इनके साथ जो हम बात करते हैं टेक्निक इनकी वो मजबूत है, इनकी जज्बा इनके अंदर नजर आता है, इनके टैलेंट इनके पास कूट कूट के भरा हुआ इनकी टीम के पास, बिल्कुल टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और आपको टैलेंट और एफर्ट तो चाहिए होता है, लेकिन उस एक्सपीरियंस फ्रंट में भी और वो जो आपने एशिया में करके दिखाया तीनों बॉलर्स ने यार, उस पर आप इंडियन बोलिंग अटैक को दुनिया बात नहीं कर रही है। बहुत तगड़ा बोलिंग लाइनअप है जो आप दुनिया के बेस्ट 3 गिनोगे। आप ऑस्ट्रेलिया से किन 3 को गिनोगे? पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, आपके इंग्लैंड से भी हो गए। देखो बात ये कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करो, चाहे आप बात करो पाकिस्तान की वैरायटी, लेफ्ट आर्म सीमर कहाँ है? हमारे पास नहीं है। और उनके पास शाइन और मिचेल स्टार्क है जी, जो भाई किसी भी टीम को ढेर कर सकते हैं। हमारे पास है नहीं वो लेफ्ट आर्म सीमर। और वैरायटी का तो अंतर पड़ता है, एक आपका राइट आर्म सीमर बॉलिंग कर रहा है, एक तरफ से लेफ्ट आर्म सीमर बॉलिंग कर रहा है, आपको दोनों को अलग तरीके से खेलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों को जो राइट आर्म सीमर होगा वो कहीं ना कहीं आपको क्या करता है कि भाई वो आपके जाते कोशिश करता है कि बार आउट स्विंग करो शुरुआत में, एक आध अंदर ही, और जो आपका लेफ्ट आर्म सीमर तो सीधा पैडों में मारता आती है। बिल्कुल, वो आपको दिक्कत होती है जब एक तरफ से लेफ्ट आर्म सीमर बॉलिंग करेगा और एक तरफ से राइट आर्म सीमर बॉलिंग करेगा। अब आपको पता है कि दोनों तरफ से राइट आर्म सीमर अगर बॉलिंग कर रहा है तो आप एडजस्ट कर जाते हो लाइन पर। मैं इसका बड़ा एग्जांपल तब देता हूं, भाई कहते हैं यार आप बहुत जल्दी कंपैरिजंस पर आ जाते हो, मैं कहता हूं देखो अभी आपने नसीम शाह को श्रीलंका की विकेटों पर फास्ट बॉलिंग करते हुए देखा, शाहीन को देखा, पाकिस्तान की टैलेंट है ना वहां पर, वैरायटी, शाहीन, हारिस, नसीम, यार ये तीनों बॉलर एक, ये भी तो बात है ना, तीनों बॉलर पूरा जज्बा डालते हैं इनके, चाहे नसीम की बात करें, चाहे शाहीन की बात करें, चाहे हारिस की बात करें। और जैसे आपने हमारे बॉलर थके हुए लगते हैं मुझे पता नहीं क्यों, मुझे बस ये है कि देखो अभी नसीम को ओडीआई क्रिकेट का इतना एक्सपोजर नहीं है जो आपके कंपैरिजन जिनसे हम कर रहे हैं। वर्ल्ड कप एशिया कप से पहले डराने लगे पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन, हारिस, नसीम, वसीम सब तहलका बचाने के लिए तैयार। आंकड़े दे रहे गवाही, खूंखार है पाकिस्तान की पेस बैटरी। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूजीलैंड सब सावधान हो जाओ, पाकिस्तान के गेंदबाजों की तैयारी खतरनाक है। पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों का तोड़ निकाल पाना कभी किसी के लिए आसान नहीं रहा, क्योंकि हर दौर में पाकिस्तान के पास एक से बढ़कर एक खूंखार तेज गेंदबाज रहे हैं। वो चाहे वकार यूनुस, वसीम अकरम का दौर रहा हो, शोएब अख्तर का दौर रहा हो, या फिर अभी शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ का दौर हो, हर दौर में पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने विपक्षी टीम को डराया है और कमाल का परफॉर्म किया है। ऐसे में अब जब वर्ल्ड कप सामने है तो एक बार फिर से पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों की बात होने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के पेस बैटरी की तैयारी और प्रदर्शन रहा है उससे तो यही लग रहा है कि बाबर की कप्तानी में ये टीम कहर ढा देगी।
शाहीन अफरीदी की अगुवाई में हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर और नसीम शाह आग उगलने के लिए तैयार बैठे हैं। शुरुआती ओवर से लेकर अंतिम ओवर तक के गेंदबाज खूंखार तरीके से गेंदबाजी करने में माहिर हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि इन सभी का सामना करना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होगा। अभी हारिस रऊफ को ओडीआई क्रिकेट का इतना एक्सपोजर नहीं है, T20 में दे आर वन ऑफ द बेस्ट, दे आर सम ऑफ द बेस्ट, क्योंकि आप ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड T20 क्रिकेट लगातार खेलते हो। हारिस रऊफ, नसीम शाह शाहीन वाले लेवल पे ऑपरेट कर पाएंगे, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट में आपने अभी ज्यादा नहीं देखा है। लेकिन मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज में आपने देखा नसीम ने भाई धमाकेदार बॉलिंग करी है टेस्ट सीरीज में, तो उसकी एज में मत जाओ, एक्सपीरियंस में मत जाओ, वो आपको तगड़ा करके देगा। नहीं नहीं बिल्कुल, वहां पर चाहे नसीम की बात करें, अभी आपने टेस्ट मैचेस में देखा है अभी आपने किस तरीके की उन्होंने वहां पर बॉलिंग करी, व्हाइट टेस्ट मैचेस में जबरदस्त बॉलिंग करी टेस्ट मैचेस में उन्होंने। और कहीं ना कहीं जो वैरायटी की हम बात करते हैं, हम एफर्ट की हम बात करते हैं, वो एफर्ट आपको ज्यादा नजर भी आता भाई। और हमारे प्लेयर आपको लग रहा, जैसे समी भाई अभी बुमराह है, कल का मैच आपने बुमराह का देखा, आपको फिटनेस बिल्कुल परफेक्ट लग रही है? नहीं, ये भी देखना बाकी है। अभी आपको ये है कि उस रिदम में कैसे आते हो, कि ठीक है अगर मैचेस वाइज देखोगे एक्सपीरियंस हमारे पास बहुत है, लेकिन अगर टैलेंट वाइज देखोगे तो ये बॉलर आने वाले के सुपरस्टार है। आने वाले 2-3 साल में नसीम और हारिस सब बहुत बड़े बॉलर बनने वाले हैं, और दुनिया की बात भी करने लग गई है डेफिनेटली, क्योंकि जैसे हमारे सिराज उभरते हुए सितारे ना, इसी तरीके से आपके पाकिस्तान के वहां पर आप नसीम शाह और हारिस रऊफ है डेफिनेटली। और मैंने बस एक पाकिस्तान टीम को मैंने ऐसा देखा है जो फास्ट बॉलर्स उस तरह के प्रोड्यूस करते हैं, जिनके साथ मैं केवल अगर एक्सपीरियंस एसोसिएट ना करूं कि भाई अगर नसीम ने 8 मैचेस खेले तो वो क्या करेगा। आपने T20 वर्ल्ड कप में देखा, आपने इतिहास देखा है, वसीम अकरम इन हिज टीन्स उसने दुनिया हिला दी थी भाई, उन्होंने सॉरी मैं माफी चाहूंगा वसीम अकरम साहब हो गए आपके, वकार यूनिस उन्होंने रूल करा 80s 90s, फिर शोएब अख्तर इन हिज अर्ली 20s उसने धूम मचा दी भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में, फिर आपके मोहम्मद आमिर आते हैं 17-18 साल का एक लड़का, लंबे लंबे बाल आपको लग रहा है ये तो बड़ा हल्का सा है फास्ट बॉलर है, उसने भाई दुनिया हिला दी जब तक खेला, अपने आप ही अपने करियर का नुकसान करा। मोहम्मद आसिफ आपके हो गए, और बीच में ऐसे क्वालिटी मोहम्मद शमी, मोहम्मद शामी राहुल एक ऐसा फास्ट बॉलर जिसको शोएब अख्तर रेट करता है कि ये सबसे बड़ा बॉलर बन सकता था। तो यही है, मैं इनकी फास्ट बॉलिंग, मैं इनकी पेस बॉलिंग बैटरी पे ना कभी सवाल नहीं करता हूं, क्योंकि आपको नहीं पता कब कौन आ जाए। हर कोई राहुल ईशान उल्ला वो बंदा चाहिए, एहसान उल्ला हो गया, मोहम्मद असरीन हो गया, सब उभरते हुए सितारे इनके पास। हाँ। लेकिन जब आंकड़ों पर बात करते हैं, शाहीन के आंकड़े आप अभी देख रहे हो, इन्होंने भी 35-36 मैचेस खेले, 70 विकेट इनकी भी ओडीआई में। और यार देखो इनके पास क्या दिख जाता ना बॉलर, क्योंकि कौन बनने वाला है। ओडीआई T20 में इनके पास बॉलर्स की कमी नहीं है। हाँ। चाहे शाहीन की बात करें चाहे नसीम की बात करें, लेकिन अगर भाई मेरा सवाल यही, एक तरफ शाहीन, नसीम, हारिस, सदाब, नवाज, एक तरफ आपको मिलेंगे कुलदीप, जडेजा, शमी, सिराज, बुमराह, और क्या परसेंटेज आप दोगे हार्दिक पांड्या? राहुल देखो यार बहुत ही एक मैं देखे एक्सपीरियंस फ्रंट पे, क्योंकि 50 ओवर की गेम है, यहां पर ये नहीं है कि आपने एक्सप्लॉइट मतलब आप कह सकते हो ना एक्सप्लोसिव स्पेल फेंक दिया फिर आप हल्के पड़ गए, यहां 50 ओवर तक इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए। तो मैं T20 से कंपेयर नहीं कर रहा, 50 ओवर क्रिकेट में आपको एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन आप पाकिस्तान के टैलेंट को ना आप हल्के में लेते, स्पेशली फास्ट बॉलिंग को। मैं बैटिंग में कह दूंगा एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा रोल होगा 50 ओवर गेम में, T20 गेम आपको अलग चलानी होती है, 50 ओवर गेम तो आपको नेक्स्ट लेवल चलानी होती है।